हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश कुमार और आप देख रहे हैं गणेश टिप चैनल। आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इंदिरा आवास का लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पीएम आवास योजना जो ग्रामीण का लिस्ट है, और दोस्तों यहाँ पे अर्बन का भी लिस्ट है, यानी कि शहर क्षेत्र का भी लिस्ट है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2024 में नया लिस्ट को यहाँ पे जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि आपके एरिया में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लिस्ट जारी किया गया है नहीं, और दोस्तों लिस्ट जारी किया गया है तो आप उसमें नाम कैसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि दोस्तों अगर आपको उसमें नाम आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किससे मिलना है, वो चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक प्रॉपर बिहार से वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगा कि यहाँ पे बिहार में कुछ ज़्यादा ही करप्शन चल रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे यूपी दिल्ली कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप पूरे भारत में कहीं से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लिस्ट को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार वाले ही निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बिहार से हूँ तो बिहार में यहाँ पे ज़्यादा करप्शन चल रहा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम है, अगर उसे नहीं पता चला, अगर सेम अगर दोस्तों यहाँ पे सेम जैसे मेरा नाम गणेश कुमार है और किसी दूसरे पर्सन का भी नाम गणेश कुमार होगा मेरे पंचायत में, तो वो अपने नाम पे इसको ट्रांसफर भी करवा लेते हैं, अपना पैक भी पहुँच से अपना करवा ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना करप्शन है ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तब इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो प्रोसेस आपको यहाँ पे अपनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों आप इस लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना पैसा मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बहुत सारे लोगों को पहले लिस्ट में नाम आ चुका है, पहला किस्त मिल चुका है, तो वो लोग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनका लिस्ट में अगर नाम है तो कितना रुपया मिला है और कितना रुपया और उनको मिलने वाला है, किस किस से यहाँ पे मिलना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं स्क्रीन पे और सारे के सारे चीज़ आपको हम बताते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपको हम यहाँ पे साइड में स्क्रीन शॉट शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे करना है कि आपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको इसमें लिखना है PMAYG ग्रामीण, क्योंकि अगर दोस्तों आप ग्रामीण यानी कि अगर गाँव से है तो ग्रामीण लिखना है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे शहर क्षेत्र से है तो आपको दोस्तों यहाँ पे अर्बन लिखना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऐसा लिस्ट कुछ देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा PMAYG, जो हमने यहाँ पे सर्च किया है वही ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो लिंक है दोस्तों इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको पास इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों अभी लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन करने के लिए भी जाएंगे तो हमें यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे ऊपर में जो तीन वो लाइनिंग दिख रहा है यानी कि मुनका टाइप का, उस पर एक बार आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड जो होगा इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन होगा देखने को मिल जाएगा। और ये जो टिप्स है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मोबाइल के लिए, अगर आप यहाँ पे लैपटॉप से देखना चाह रहे हैं या फिर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेस्कटॉप साइज में यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपको हम यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको करना क्या है। यहाँ पे जो है आवास सॉफ्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर देना है। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ दोबारा से, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हम यहाँ पे हर एक चीज़ से अपडेट आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे शौचालय योजना से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है, अगर आपको शौचालय योजना में आपको आवेदन करना है किसी भी बिना किसी से मिले हुए, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आपके एरिया में लिस्ट जारी नहीं किया गया है तो किस टाइप से आएगा, अगर लिस्ट जारी किया गया होगा तो आपको यहाँ पे किस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है ऊपर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख लेना है कि आपको सबसे ऊपर में स्टेट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑल स्टेट पर सिलेक्टेड होगा तो आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार वाले बटन में यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। और नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसका दोस्तों फिर से यहाँ पे आएगा आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको अपना ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे में दोस्तों एक और आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना यानी कि ब्लॉक के बाद आपको अपना पंचायत को सिलेक्ट करना है कि आप किस पंचायत से है, तो आपको यहाँ पे पंचायत भी सिलेक्ट कर लेना है। एक और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे होगा आप कब का लिस्ट देखना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 2010-11 से लेकर के आपको यहाँ पे
23-24 तक का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप बैक डेट में भी देख सकते हैं अपना लिस्ट को, यानी जब का भी लिस्ट आप यहाँ पे देखना चाहेंगे उस लिस्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 23-24 का लिस्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे नया लिस्ट यहाँ पे देखना है उसका। दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लिस्ट जो होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी स्कीम है सारे के सारे स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें से आप किसी भी स्कीम से रिलेटेड आप इस योजना में फॉर्म भरे होंगे या फिर अगर उस लिस्ट में नाम आया होगा तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो हमें यहां पे करना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले बटन में क्लिक करेंगे उसका। दोस्तों आपको यहां पे देखेंगे कि 41-10 यहां पे आ चुका है, यानी जो यहां पे कैप्चा कोड है कभी यहां पे आपको प्लस आएगा कि यहां पे आपको माइनस आएगा, हर एक केस में अलग अलग आता है। तो आपको अगर जोर होगा तो जोर करके आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है, अगर माइनस होगा तो घटा करके आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे कि मेरे केस में 41-10 होता है तो यहाँ पे 31 बचेगा, तो मैं 31 वाला बटन में टाइप करके मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन जो है इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। तो अगर हमारे तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में लिस्ट अगर आया हुआ होगा तो लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है इस प्रखंड में या फिर इस पंचायत में लिस्ट जारी नहीं किया गया है तो यहाँ पे आ रहा है कि डेटा नोट फाउंड। तो अगर ऐसा आएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अभी तक आपके एरिया में जो लिस्ट है वहाँ पे जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने डेटा को चेंज कर दिया हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अगेन सबमिट करके। आप यहाँ पे देखेंगे 23-24 का लिस्ट भी है, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको यहाँ पे सामने में देखने को मिल जाएगा जिसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों जो लिस्ट है हमारे सामने में देखने को मिल गया है। और मैं आपको कभी पिछले वाला नहीं बताया हूँ क्योंकि देखेंगे यहाँ पे स्कीम जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ही लिस्ट है, मैं आपको किसी दूसरे चीज़ का लिस्ट आपको नहीं दिखाया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे चेक करना है, अगर लिस्ट में नाम आपका आता है तो आपको कहाँ पर मिलना है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए PDF डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इस पर एक बार टाइप करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से भी इसको डाउनलोड करके रखा था, मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर लिस्ट में नाम है। पहले अगर आपको एक बार पैसा मिल चुका होगा, दो बार मिल चुका होगा, तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप किस तरीके से इसे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, देख पाएंगे कि मेरा यहाँ पे नाम आ चुका है, आई मीन कि लिस्ट जो है डाउनलोड होकर आ चुका है। यहाँ पे बेनिफिशियरी और उसके फादर या फिर पति का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे कब का लिस्ट है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जॉब कार्ड होगा, मनरेगा कार्ड होगा तो वो भी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,30,000 का जो है अमाउंट यहाँ पे इनको सेक्शन किया गया है, यानी कि इनको अकाउंट में भेजा जाएगा। और दोस्तों इनका जो एक किस्त है यहाँ पे मिल चुका है और आप यहाँ पे देखेंगे कि अमाउंट जो दोस्तों है यहाँ पे 81,250 रुपया जो इनके पास है, जो 1,30,000 में से 81,251 रुपया और मिलने वाला है, आई मीन कि इनका पहला किस्त जो होगा कुछ यहाँ पे इनका मिल चुका हुआ होगा। और आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों अगर लिस्ट में नाम है तो आप किस तरीके से आपको बात करना है, तो दोस्तों सबसे पहला नंबर आपको अपने मुखिया के पास जाना है। मुखिया के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको लिस्ट को प्रिंट आउट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप जाएंगे मुखिया के पास, उनसे बात करना है कि हमारे लिस्ट में नाम आ चुका है और हमें यहाँ पे इसके लिए अब आगे कौन सा कदम उठाना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और उनको बताना है, ठीक है, आपको मुखिया को। अगर मुखिया भी नहीं सुनते हैं या फिर मुखिया अगर आपका बात को सुन भी लेते हैं फिर भी आपको यहाँ पे पता करना है कि आवास सहायक कहाँ है, और आवास सहायक हर एक पंचायत में होता है और दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक में वो बैठते हैं या फिर मुखिया के साथ वहाँ पे रहते हैं, तो उनसे जाकर के आपको यहाँ पे बात करना है। उसके बाद आपको 110% गारंटी है कि आपको जो आवास जो होगा यानी कि इंदिरा आवास होगा वो आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सारी के सारी जानकारी दे पाया हूँ। अगर कुछ आपका और भी सवाल बच गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, अभी के लिए जय हिंद।